सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सहनशील संतन सम मित्र से दुर्जन है, नानक भोजन ननक प्रकारे, निंदक आबद होए उपतिष्ठते। सहनशील संतन सम मित्र से दुर्जन नानक भोजन अनेक प्रकारे, निंदक आबद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार ने पवंत मान पंगन, शोभाहीन ने पवंत ने पोहंत संसार दुख ने। गोविंद नाम जपंत मिल साध संगे, नानक से प्राणी सुख बसने। गोविंद नाम जपंत मिल साध संगे, नानक से प्राणी सुख बसने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल साहिबे बरकत, साहिबे इकबाल, साहिबे कमाल, साहिबे जलाल, नूरे नजर रोशन रोशन चिराग, सर्व सुख हंता, सर्व सुख संपन्न, सर्व दुख हंता, बारगाहे इनायत सर्वरे कायनात। अथाह सहाबा नमोह मुहाबा, निमाण्या दे माण, निताण्या दे ताण, न्योट्या दी ओट, न्यासरिया दे आसरे, नितरिया दी तिर, निगतिया दी गत, निथावे दी था, निपतिया दी पत, अनाथा के नाथ शब्द गुरु तन 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 तन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होई बैठे, गुरु सवारे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप बड़ पागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रही सी। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ हॉल लंडन विखे विशेष तौर पर रोजाना दीवान सजाए जाते हैं। शहीदों के सरताज शांति के पुंज बाणी के बोहिथा धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी के पावन शहादत पुरब न इस स्थान पर कई हफ्ते पहले तो मनाना आरंभ कर दिता जाता है, जिस विच गुरद्वारा साहब की इसत्री सत्संग सभा अते समूह साध संगत वालों संगती रूप के सुखमनी साहब जी के पाठ किए जाते हैं। उपरंत इलाही बाणी का आप कीर्तन श्रवण करते हो। पंचम गुरदेव जी की शहादत नूं मुख रखदिया इस स्थान से पंचम पातशाह जी के मुहारविंद तो उचारण सहस्कृति श्लोकों की व्याख्या चल रही है, जिदे विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की बाणी अते उन्हां दे जीवन दे विचों एक अद्धी घटना नाल वी असीं सांझ पाउंदे हाँ। अज दे वचनां दी विचार आरंभ करन तो पहलां गुरु चरणां विच हाजरियां लवाउण लई अते अपने डिगदे डोलदे भटकदे मनां नूं टिकाउण लई रोजाना दी तरह ही उस गुरबाणी दी तुक दा रल मिल के गायन करिए। कोई रसना वांझी ना रहे, नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तार है, आप मुक्त मोहे तार है। आप मुक्त मोहे तार है, आप मुक्त मोहे तार है, आप मुक्त मोहे तार है।
ऐसे गुरु को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोह तारे, 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 ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारे। अज दे पावन बचनां दी विचार आरंभ करन तो पहले प्रभु की उस्तत करो, संत नीत सावधान एकाग्र चीत दे मां बाप अनुसार मन सावधान करो, सुरतियां गुरु शब्द विच एकाग्रत करो, बड़े ही प्यार अदब सहित रसपनी आवाज विच उच्चारण करो, जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी दे पावन मुखार बिंद तो उच्चारण अज दे अमृतमई बचन संस्कृति श्लोकां विच धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन नाम 1356 उपर अते 27वें श्लोक दे रूप दे विच शोभित हन। सतगुरु जी ने अज मेहरामत कीती कि गुरमुख धर्मी जन संत जन जिहड़े ने आत्मक जीवन नूं भरपूर जीण वाले, उन्हां दे जीवन दे विच उन्हां दी दृष्टि सम है, उन्हां दा हिरदा सहनशील है, उन्हां दे लई कुल कायनात एक प्रभु दा ही रूप है। उन्हां दा इस दुनिया ते कोई मित्र नहीं है अते कोई दुश्मन भी नहीं है, सामने। इसे कारण करके उन्हां दे कोल मित्र आ जाण तां वी खिड़े मत्थे उन्हां दा स्वागत करदे ने, निंदक मारन वास्ते आ जाण तां वी खिड़े मत्थे स्वागत करदे ने, उन्हां लई सारे सामने। सतगुरु जी दे अज दे बचन सहनशील संतं सम मित्रस्य दुर्जनै नानक भोजन अनेक प्रकारे निंदक आवत होए उपतिष्ठते। सहनशील संतं, संत जिन्हां दी जिंदगी विच सहनशीलता है, सम दृष्टि है, सम मित्रस्य दुर्जनै कोई उन्हां नूं मित्र मन्ने कोई दुश्मन मन्ने ओ सारयां लई सामने सामने बराबर। सतगुरु पंचम पातशाह दे वी बचन हुणे आप जी ने सुखमनी साहिब च सुने ने, ते पिछे वी असीं इक श्लोक दी व्याख्या करके गए हां, जन्मंग ता मरणंग हरखंग ता सोगंग भोगंग ता रोगंग ऊचंग ता नीचंग नाना सो मूचंग राजंग ता मानंग अभिमानंग ता हीनंग। हर चीज दो ने, जिथे सुख है दुख नाल है, खुशी है गम नाल है, इसे करके जिथे मित्र है उथे दुश्मन नाल है, ये अलग नहीं हो सकते, सम नहीं हो सकते मित्र दुश्मन। मित्रता ते दुश्मनी नूं अलग करना पेगा, फिर समदृष्टि आएगी, क्योंकि जिन्हों मित्र बनाया एदा मतलब ये मेरा मित्र है, फिर दूसरा मेरा मित्र नहीं है, इनू मैं मित्र बना रहा फिर दूसरा कौन है। और जिहड़ा अज मित्र है कल नूं किसे कारण झगड़ा हो जाए वह फिर आम नहीं रह जाएगा मेरे लिए, वह मेरा दुश्मन हो जाएगा। यह नहीं हो सकता भी जिवें मित्रता तो पहला सी उदां ही मेरे लिए आम बन जाए, फिर नहीं, फिर एक लकीर खिंची जाएगी भी पहला मित्र सी हुण मित्र नहीं हुण दुश्मन है। जिथे मित्रता है दुश्मनी नाल है, जिथे प्रेम है उत्थे नफरत नाल है। कभी महात्मा बुद्ध ने गल कही सी, मैं किसी नूं मित्र नहीं बनांदा, मैं किसी नाल प्रेम नहीं करदा, क्यों? क्योंकि मैं किसी नाल दुश्मनी नहीं करना चाहता, मैं किसी नूं नफरत नहीं करना चाहता। जिते एक चीज आएगी दूसरी नाल आएगी। तो सुखमनी साहब च भी आप बचन पढ़ के गए हो, जदों किसी ने कह दिता ये मेरा मित्र समझ लियो, उहदा दिल टिकिया नहीं होया, उहदा हिरदा निश्चल नहीं है, वह अड़ोल नहीं है, वह डोलिया होया, अज एक नूं मित्र बना रहा है तो कल नूं एक नूं दुश्मन भी बनाएगा। अज एक नूं मित्र बना रहा कल दे नाल दुश्मनी भी पैदा कर सकता है,
जिदा ये इमोशन है कि मैं मित्र बना रहा वह भी इमोशन है कि उन्होंने दुश्मन भी बना सकता है। जब तारे कऊ बैरी नीत तबलक निचल ना ही चीत, चित निश्चल नहीं फिर अजे अजे डोल रहा है। जे एक दिशा में जा सकता है तो दूसरी च भी जा सकता है, अजे सहज एक थान टिकया नहीं है, निज निज घर स्थापित नहीं होया, अजे चलायमान है, चल रहा है जी। तो धर्मी मनुख का सुभाव उहदे लई कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सम मैन बराबर, उहदा जीवन उहदा हिरदा इन्ना बराबर है, उहदे सामने उहनू कोई मित्र मनन वाला उहनू कोई दुश्मन मनन वाला आ जाए वह दोहां नाल बराबर का विहार करता है। जिवें चंदन उहदियां जड़ां दे विच जहरीले नाग भी आ जाण, उहनू डंग भी मारन, उहनां नू भी ठंडक ते सुगंधी लई जांदा है। कबीर, संत ना छाड़े संतई, जो कोटक मिले संत मल्यागर भयंगम बेड़े ता शीतलता ना तजंत। वो अपना शांत सुभाव नहीं छड़दा, तो अपनी ठंडक नहीं छड़दा, अपनी सुगंधी नहीं छड़दा, भावे जिन्ने मर्जी जहरीले नाग उहदियां जड़ां च इकट्ठे हो जाण, उन्हां नू दुश्मन नहीं मंदा, उन्हां नू भी ठंडक ते सुगंधी देई जांदा है। यह है सम सुभाव। पर यह भी नाल याद रखियो, संत कोई आसमाना तो नहीं आते होंगे, आम मनुख का जीवन संत हो जाता है। और संत होना जरूरी नहीं कि किसी की गोल पग है, लम्मा चोला है, नंगिया लत्तां ने, हाथ च माल है, ता संत। एक सड़क के किनारे मिट्टी ढोण वाला मजदूर भी संत हो सकता है, एक पेंट शर्ट के विच बैठा इंसान भी संत हो सकता है, साधारण कपड़ियां विच साधारण काम करने वाला भी संत हो सकता है, एक झोंपड़ी विच रहने वाला गरीब, एक महलों च रहने वाला बादशाह भी संत हो सकता है। क्यों? क्योंकि संत होना बाहरली भेख का मत सवाल ही नहीं है, असी बाहरले भेख नूं संत समझते हैं। हुण कोई आ जाए ना गोल पग नंगियां लत्तां हाथ च माला लम्मा सारा परना, तो लोग उठ उठ के दौड़नगे उहदे पैरां च मत्था टेकण वास्ते। वखरा है ना, भावें नूं जपजी सदा पाठ ना जबानी आता हो, असी भेख नूं संत समझ लिया। भेख संत नहीं है, संत गुण का नाम है, वह तुहाडे विच भी हो सकता है। आसमाना तो नहीं उतरते संत, तुसी हो जो उस गुण नूं धारण कर लैंदे हो। इत्थे सिर्फ एक गुण का जिक्र है, संत का सम सहनशीलता, बस। अगे श्लोक आ रहे ने, छे गुणा का जिक्र होना उहदे विच, एक गुण है वह, एक गुण अज सिर्फ समता का गुण है, अदे सहनशीलता का गुण है उहदा, कि उहदी दृष्टि सम है, वह अडोल है, वह डोलदा नहीं है, उहदी जिंदगी च सुख आए दुख आए खुशी गमी मित्र दुश्मन वह अडोल ही रहिंदा है, डोलदा नहीं है। तो यह स्थिति जिहड़ी बाहरों भी नहीं आउंदी, यह भी याद रखियो। साडी जिंदगी च दुख है ना, असी किसी भी स्थिति किसी भी सिचुएशन दे विच अपने आप नूं सुखी नहीं महसूस करते। कोई गरीब है वह दुखी है क्योंकि उसनू रोजी रोटी नहीं मिल रही, पूरी रात भुखा सौ रहा है। कोई अमीर है वह भी दुखी है, उसनू टैक्स देने पैंदे ने, बिल पे करने पैंदे ने, वह भी संतुष्ट नहीं है। कोई अनपढ़ है तो दुखी है, उसदे कोल विद्या का ज्ञान नहीं है, अक्षरां की जानकारी नहीं है, तो जिहड़ा रोज पढ़न जांदा स्कूल उसनू पुछो तू सुखी है, वह रोज दुखी है। स्कूल तो जदों कॉलेज जांदा यूनिवर्सिटी जांदा होर दुखी हो जांदा है, वड्डे वड्डे उहदे सामने प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिहड़े उहनू पूरे करने होंदे ने, आह भी असाइनमेंट पूरी करनी, आह भी असाइनमेंट पूरी करनी है, उहदा स्ट्रैस होर ज़्यादा वध, दुखी उह भी है, पढ़न वाला भी दुखी है। जिहड़ा नहीं व्याया वह दुखी है, जिहड़ा व्याया है चलो तो मैं की कहना सुखी नहीं, चलो जिहदे नहीं बच्चे तां दुखी है, घर बच्चा नहीं औलाद नहीं, तो जिन्हां दे बच्चे ने वह रोज़ दुखी ने, रोज तैयारी करानी। किस सिचुएशन में मनुख सुखी है, कोई स्थिति है? इहदा मतलब सुख का संबंध बाहर नाल ते है ही नहीं। जिहदे कोल धन नहीं वह भी दुखी, जिहदे कोल धन आ जाता दुखी वह भी है। जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर प्रमन्ता, दूह व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पाली है, जिहड़ा दोनों अवस्थावां तो मुक्त हो जाए।
ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰਾ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਸਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਈਕਰਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10 ਵਾਲੇ ਕੋਲ 100 ਆ ਗਏ ਨੇ, 100 ਵਾਲੇ ਕੋਲ 1000 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੇ? ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਨਲਪ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ, ਏਸੀ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਏ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿਰਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਟਿਕਾ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨੀਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਫਰਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਭਰ ਕੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਕਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰ? ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਗੁਬਾਰੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ।
ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਏ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਤਮ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਦੁਰਜਨੈ ਸਮ ਅਵਸਥਾ। ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ। ਮਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਿੰਦਕ ਆਵਦ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟ ਤੇ ਆਵਦ ਮਨੇ ਹਥਿਆਰ। ਨਿੰਦਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜਬ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ, ਸਦਾ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਲਾਲੀ। ਕਭੀ ਫਾਕਾ ਦਾਨਾ ਕਭੀ ਖੀਰ ਥਾਲੀ, ਸਦਾ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਲਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਗਾਲੀ, ਸਦਾ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਲਾਲੀ। ਨਾ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਜੀਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਾ, ਯਹੀ ਤੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਸ਼ਾਗਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੁਰਸ਼ਾਗਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਪੱਟ ਲਈਏ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਜੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਏ। ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਥੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭੋਜਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਥੱਕੇ ਸਨ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ
उस स्थान नूं तहस नहस ते कीता, गोलियां चलाईयां, कईयां नूं उन्हां मारिया, इत्थों तक छोटी तोप लैके आए सन, तोप दे गोली भी चलाए उन्होंने स्थान नूं टाण वास्ते। एक गोला बाबा वीर सिंह दे पट ते आके लग्गिया, कुछ छरे छाती च आके लगे, जख्मी होके डिग पए, मारो मार कर दे वापस चले गए। बाबा वीर सिंह ने चुकिया, चुक के उन्हें मंजे के उपर लिटाया। बाबा वीर सिंह कह लगे भी हुण लगता है आखिरी सवास ने, हुण बचना मुश्किल है। इस तरह करो, गुरु के रबाबियां नूं बुलाओ, कीर्तनियां नूं बुलाओ। कीर्तनी दौड़े चले आए, कह लगे हुक्म, कह लगे सानू कीर्तन सुनाओ। रबाबी सिंह कह लगे भी साज ते दुश्मन चुके लै गए ने, उन्हें लुटमार भी बड़ी की सी, सारा कुछ चुकी भी लै, सास ते दुश्मन लै गए, साडे बाजे तबले दुश्मन चुके लै गए, रबाब दुश्मन चुके लै गए, कीर्तन किवें करिए असीं। ते बाबा वीर सिंह कहन लगे दुश्मन तुहाडे साज चुक के लै के गया है ना, जिन्हों तुसीं दुश्मन कहने हो, उस साज चुक के लै गए ने, तुहाडा शब्द ते नहीं खो के लै के गए, शब्द ते तुहाडे कोल ही है ना। कह लगे हाँ शब्द कोल है। कह लगे शब्द सुनाओ। अनमड़िया मंदल बाजै, बिना साजा दे मड़न तो ही शब्द बजता है। जे कोई चाहे तो फिर कन्न रस नहीं लेना पैंदा, वड्डा रागी मशहूर कोई आएगा तो तां जावांगे कीर्तन सुनने वास्ते। हुंदा इदां इदां जदों कोई समागम होंदे ने ना वड्डे वड्डे इत्थे इंग्लैंड च, उदों देखिया करो भीड़ां लगदियां, जदों इत्थे बच्चे शब्द पढ़ते ने, कि उह मेरे गुरु नानक की बाणी नहीं है। असीं शब्द सुनने आउणा है कि शरीरां नूं देखण आउणा है कि साजां दीआं ट्यूनां सुनने वास्ते आउणा है। देख लो हूँ तुहाडे सामने है, उदों पीड़ा होंदिया ने, हुण क्यों नहीं पीड़ा होंदिया। जां ते असीं किसे ना किसे शरीर नाल जुड़े हुए हाँ भी वह फलाना जत्था आएगा तो सुनन जावांगे। छोटा मासूम बच्चा प्यार च भिज के शब्द पढ़ना है, उहनूं नहीं सुनन जावांगे। हालांकि शब्द वह भी बाणी का उही सुनांदा है, वह भी गुरबिंद साहिब जी सुनांदा है। जदों फलानी ट्यून सुनाने वाला कोई आएगा फिर जावांगे, ट्यूना ते कंध रस मिलेगा ते जावांगे। जो वैसे ही कोई शब्द पड़ेगा, नहीं उहदी आवाज़ अच्छी होएगी, नहीं ट्यून होएगी, फिर नहीं जावांगे। सानू आवाज़ सुरीली चाहिए है, सानू ट्यून वधिया चाहिए है, बाजे दी शब्द थोड़े चाहिए है। कित्थे खड़े हो असीं, ते ना रखिया हुंदा जी पंज जथे इकट्ठे मिल के कीर्तन करनगे। आत्म रस कीर्तन दरबार, आत्म रस है कि कंध रस है। जो दस बाजे कट्ठे बजने ने, पांच तबले कट्ठे बजने ने, शोर शराबा खूब होना है, फिर कहना जी हुण आत्म रस आया। याद रखियो सुनना सिर्फ कन्न रस हुंदा है, क्योंकि कन्ना ने सुनना है। जदों शब्द जिहड़ा चल रहा है उस शब्द नूं समझोगे, फिर उस शब्द तुहाडा बन जाएगा मन रस, मन समझेगा शब्द नूं, मेरा गुरु उपदेश की कर रहा है मैनूं। जदों उस उपदेश नूं तुसीं जिंदगी च वसा लओगे, आत्मा च बसा लोगे, जो शब्द च समा जाओगे, फिर बनेगा आत्मरस। तीन सस्से ने, सुनना समझना समा जाना। शब्द नूं सुनना एक कन्न रस है, कन्ना नाल ही शब्द सुनना है, भावें पाठ है, कीर्तन है, भावें कथा है, यह सारा कन्न रस है। जदों इहनूं समझोगे तुसीं मन नाल, विचारोगे, विचारवान बनोगे, फिर दूसरा सस्सा आ जाएगा समझना, फिर मन रस पैदा हो जाएगा। फिर जदों समझ के जिंदगी च अप्लाई करोंगे, अज गुरु ने कहा सी बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, हुण मैं जिंदगी च सच बोलूंगा झूठ नहीं। जिद्दन सच बोलोंगे जिहड़ा आनंद आएगा ना वह आत्म रस होएगा। समा जाना शब्द विच, गुरु ने कहा सी हक पराया नानका उस सूरस गाए, गरीब का हक मार दिया। जदों आ शब्द समाया होएगा ना अंदर, याद आएगा, हाथ पिछे खिंच लोगे, वह जिहड़ा आनंद आएगा ना शब्द समाण दा, वह है आत्मरस। गुरु ने कहा सी जित पीता मत दूर होए, बरल पवे बचाए, शराब ना पीवी, बोतल खोल के बैठा है। जो शब्द समाया होएगा अंदर, उदो आवाज आएगी, बोतल परा सड़ देगा, वह है आत्मरस। इनू कहंदे ने आत्मरस कीर्तन, आत्मरस पाठ, आत्मरस कथा, जो असी अपलाई करते हैं जिंदगी। पर असी तो शरीर नाल जुड़े हाँ, इस करके शब्द की समझ नहीं पैंदी। बाबा वीर सिंह कहन लगे गुरु के कीर्तनियों, ओ लोग तुहाडे साज लुट के लै गए ने ना, तुहाडा शब्द ते नहीं खो के लैके गए। कीर्तन शब्द हुंदा है, शब्द गाओ, शब्द सुनाओ,
असीं शब्द नाल जुड़ना चाहते हाँ। कीर्तियां ने शब्द शुरू किया तो बाबा वीर सिंह ने उत्ते श्वास छड़ दिते सन। यह है सहनशील संतों सम मित्र से दुर्जने, उन्हां लई मित्र आ जाण दुश्मन आ जाण एक बराबर ने, भोजन अनेक प्रकार एन, कोई भोजन दे थाल लैके आ जाण तां शक लैंदे ने, नानक निंदक आप दोए उपतिशते, दुश्मन मारन वास्ते आ जाए निंदक मारन वास्ते हथियार चुक लैण तां वी सहज विच रहिंदे ने। उन्हां दे जीवन की अडोलता अंदर की खुशी नहीं विगड़ती, वह नहीं डोलती। जो अंदर सहज विच इसे नूं कहिंदे ने थिर घर बैसो हरजन प्यारे, थिर घर मैंने निज घर विच टिक जाओ, इन्ने अडोल हो जाओ ना ते तुहाडा मित्र तुहाडी सिफत करे तुहानूं डुला सके, ना तुहाडा दुश्मन तुहाडी निंदा करे तुहानूं डुला सके। सम हो जाओ, अडोलता विच आ जाओ, थिर घर बैसो निज घर विच टिक जाओ। कोई माण करे तुसीं हंकार च ना फुल जाओ, कोई अपमान करे तुसीं रोण ना बह जाओ। दुख सुख सम हो जाण, सुख दुख दोनों सम कर जाणो। हरक सोख जाके नहीं बैरी मीत समान, जिदे लई सुख दुख मित्र दुश्मन एक समान ने। कहो नानक सुंदरे मना मुक्त ताहे तै जान, आया मुक्ति की परिभाषा गुरमत विच। बड़ा सुख है मुक्त होना, मित्र दुश्मन सम हो जाण, सुख दुख एक हो जाण, यह मुक्ति है। कोई उस्तत कर जाए निंदा कर जाए, उस्तत निंदा नाहे जे कंचन लो समान, कहो नानक सुंदरे मना मुक्ता है ते जान। आ इन्नी सौखी मुक्ति, दो दो कम नहीं होंगे, एक कम ही कोई कर ले, मालका जो कर दे तेरी रजा, मैं कुछ करने वाला नहीं, तभी मुक्त है। मैं कुछ करने वाला नहीं, सिर्फ तू ही करता है। जिह प्राणी हो मैं तजी करता राम पछाण, जिन्हें हों छड़ दित्ती ना मैं कुछ नहीं करता, करता करन वाला जिहड़ा राम नूं पछाण लिया भी वह करता है बस। जिह प्राणी हो मैं तजी करता राम पछाण, कहो नानक वह मुक्त नर ए मन साची मान। आ गल सच करके मन लई वह मुक्त है जिहड़ा सम दे विच आ गया। नानक भोजन अनेक प्रकार एन, निंदक आप दोए उपतिष्ट ते। पुछा तां फिर जीवन किहो जिहा है, कहन लगे तिरस्कार नह पवंत, तिरस्कार मैंने बदनामी निंदिया माड़ा कहना अपमान कर देना बेइज्जती कर दी, उन्होंने कहते तिरस्कार करना किसी का बेदबी कर देनी, उन्होंने पौंदा नहीं है फिर वो तिरस्कार। नह पवंत माण भंगने, उन्हों की इज्जत में कोई भंग कर जाए कोई बेइज्जती कर जाए वह भी नहीं उन्होंने पौंदा। शोभाहीन नह पवंत, उन्हों की शोभा घट जाए तां भी नहीं पौंदी। नह पवंत संसार दुख ने, संसार के दुख भी उन्होंने नहीं पौंदे, संसार के दुखों तो भी उच्चे उठ गए। गोबिंद नाम जपंत मिल साध संग, वह की करते ने साध संगत विच मिल के गोबिंद के नाम नाल जुड़ जाते हैं। कितने आसमान तो उतर के संत नहीं बनते, तुसी हो गुरु संगत विच बैठे हो। जे इस शब्द की विचारधारा अपने जीवन च अपलाई कर दोगे तुसी संत हो। और ये कोई मैं उपदेश नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सबक पढ़ रहा जिहड़ा गुरु ने बचन दिता है सानू सबक। अज ये लैसन है, उपदेश गुरु दे, मैं सिर्फ सबक पढ़ के सुनाने वाला वा। कोई इस सबक नूं जिंदगी च मन लवे, कोई उपदेश नूं जीवन में धारण कर लवे। गोबिंद नाम जपंत मिल साध संगे, नानक से प्राणी सुख बसने, वह प्राणी सुखी हो जाएंगे हे नानक, फिर आत्मक सुख मिलेगा, फिर पदार्थां दी मुताजी नहीं रहेगी, पदार्थ आणगे ते सुखी होवांगा। कोई आके मेरी इज्जत करेगा तो सुखी होवांगा, फिर दूजे दे ते डिपेंड नहीं रहणगे, दूजे दे मुताज नहीं होणगे, फिर उन्हां दा सुख अपना निजी होएगा, वह आत्मक तौर पर सुखी हो जाएंगे। नानक से प्राणी सुख बसने, हे नानक वह प्राणी आत्मक तौर पर सुखी हो जाते ने, निज घर विच टिक जाते ने। सेना साध समूह सूर अजितंग सनाहं तां निमरता, फिर दुनिया भर के हजार दुश्मन आ जाण वह भी अपनी एक सेना नाल लैके तुरदे ने, गुणा की सेना लैके तुरदे ने, दूजे के औगुणी कटते चले जाते हैं। सेना केड़ी सेना उन्हां दे नाल है, साध समूह साध संगत, जिहड़ा साधां दा समूह गुरमुख जनां दा इकट्ठ साध संगत उन्हां दी सेना है। वह साध संगत का आसरा ले लेंदे ने, सेना साध समूह एक कहो जी सैना है, कह लगे सूर अजितंग
ਇਹ ਅਜਿੱਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਨਾ ਹੈ ਸਨਾਹੰ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਰੇ ਬਖਤਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਵਚ ਨੂੰ, ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਸਨਾਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨਾਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਨੋਹ ਪੈਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਸਨਾਹੰ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵਧੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ। ਆਵਧੈ ਮੈਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਮ ਲੈਣਾ, ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਮਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਧੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਛਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਛਾਰੀ, ਇਸ ਆਗਿਆ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਬੇਕਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਹਥਿਆਰ ਦੋ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਵਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ, ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੂੜ ਤੇ ਅਸ਼ਵ ਰੱਥ ਨਾਗੇ, ਅਰੂੜ ਤੇ ਮੈਨੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਥ ਨੇ, ਅਸ਼ਵ ਮੈਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਾਗੇ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੁਝੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਝਦੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਰ ਤੇ ਨਿਰਭੈਂਗ ਸ਼ਤਰ ਸੈਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ। ਧਯੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸ਼ਤਰ ਸੈਨਾ, ਧਯੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੇ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਸਿੰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਥ ਤਸਕਰੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੈਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਵਸਿੰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਥ ਤਸਕਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਬਾਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਰਹੇ, ਮੌਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਸੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਛਾਲੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਮ ਕਹਿ ਸੋਟੇ ਕੁਝ ਮਰਵਾਏ, ਰਹੇ ਮੌਨ ਗੁਰ ਤੇ ਡਰਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਛਾਲੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਸੀਹ ਦੇਣੇ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲ।
पर मन करके सहज विच नहीं, मन करके तेरे अंदर नफरत वैर की भावना ना हो, नहीं तो दुखी तू होएगा। याद रखियो जिदे अंदर बदले की भावना होंदी है ना, बदले की भावना दुश्मन का नुकसान नहीं पहुँचाती, साड़ा अपना खून साड़ती है, सानू नहीं सौण दिंदी, दुश्मन का कुछ नहीं फर्क पैंदा। तुहाडे अंदर भावना है बदले की, मैं बदला लेना है, दित्तों मैं बदला लेना है, दुश्मन पता ही नहीं भी इन्हें मेरे तो बदला लेना है, वह तो रात सुख की नींद रजाई लैके सौंद है, यह सारी रात तड़पता रहा है, बदला किवें रवां। बदला एक अग है जिस अग में मनुख आप सड़ी जाता है। सतगुरु कह लगे चंदू बाहरों तेनों तेरे मालक का हुक्म है, जिन्हें मर्जी सानू तसीहे दे, तू अपना फर्ज पूरा कर, तेरी नौकरी है, तू सरकारी मुलाजम है, पर मन च नफरत ना रखी। मन च नफरत रखेगा, इस नफरत की अग च तू आप सड़ के दुखी होएगा। असी नहीं चाहते तू दुखी होवे, तू रब दे रजा विच नहीं, शुकराने विच नहीं, जिहड़ा तसीहे दे रहा उन्हों उपदेश कर रहे ने। तां इक भाई गुरदास ने लफज किया सी, गुर उपदेश ना विसरै बाबी हे ज्यों सारंग पाणी। शहादत दिंदिआं तत्ती तवी ते बैठदिआं वी गुरु उपदेश करना विसारदा नहीं, वह हर एक नूं उपदेश करी जांदा है। चाहे कोई सिख आया उन्हूं उपदेश किया, मारन वाला चंदू आया उन्हूं भी उपदेश करी जांदे ने। गुरु मारन वाले नूं भी तारना चाहुंदा है, क्यों? गुरु की नज़र च सब सामने, गुरु पूरा निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुख तारे। हुण निंदकां दोखियां बेमुखां नूं भी तारी जांदा, इन्ना निर्वैर। सतगुर दाता दयाल है जिसनों समत सब कोई, इत्थे समत पाठ नहीं है, समत हुंदा चंगी मत, समत मैंने बराबर, जिदे लई सारे बराबर ने, इसे करके ते गुरु दयालू है। जिहड़ा समत नहीं ना, वह दया भी नहीं कर सकता किसी ते, वह अपने मित्र ते दया करेगा, फिर दुश्मन ते नहीं करेगा, फिर वह दयालू झूठा है। गुरु तां दयालू है क्योंकि समत है। सतगुरु सदा दयाल है जिसनों समत सब कोए, उहदे लई सारे बराबर ने, इस करके तो दयालू है। वह मित्र ते भी दया करता है, दुश्मन ते भी, कोई उहदे चरणां च मत्था टेक ना जाए उहदे ते भी दया करता है, मार ना जाए उहदे ते भी दया करता है। चंदू मारन आया सतगुरु उहदे ते भी दया करते हैं। चंदू बस अपने मन में बदले की भावना ना रखी, नफरत ना रखी, दुखी होएगा सड़ेगा, हाँ मन में सबर संतोख शुक्र रखी, तेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, गुरु ने माफ कर दिता। याद रखो जिते खिम है ना उत्थे रब आप है, समझ लो। कबीर जहां ज्ञान तै धर्म है, इस गल भी समझ लियो, श्रद्धा धर्म नहीं, जिथे ज्ञान है धर्म उत्थों शुरू हुंदा है। विण गुण कीते भगत ना होए, जे गुण नहीं ना तो भगती भी झूठी है। जहां ज्ञान तै धर्म है, जहां झूठ तै पाप, जहां लोभ तै काल है, जहां खिमा तै आप। ताई ते गुरु अर्जन देव पातशाह रब रूप ने, गुरु अर्जन प्रतख हर, क्यों रब रूप ने? उन्हां विच रब दा गुण है खिमा दा। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन, ये सहनशीलता सम दृष्टि खिमा दा गुण साड़ी जिंदगी विच भी आ जाए, असी भी अपने जीवन सफल कर सकीए। इसे साध संगत विचों ही असी गुरु दा ज्ञान लैके संत सरूप बनना है। सतगुरु समूह नूं नाम दी दात बख्शन, इलोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले, फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।